तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि भाई कबड्डी प्रतियोगिता का बैनर बनाओ, कबड्डी प्रतियोगिता का बैनर बनाओ। तो दोस्तों, बैनर लेके आ चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है। इसमें आप सब कुछ चेंजेस कर सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो, कैसे क्या तरीका है सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो बैनर पोस्टर आप देख रहे हो अभी, इसका PLP फाइल और PNG दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ताकि आपको डाउनलोड करने में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ दोस्तों, ये जो PLP फाइल और PNG रहेगा, उसमें पासवर्ड लगा रहेगा। बस आपको इतना काम करना होगा कि आपको वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना रहेगा। अगर आप नहीं देखोगे तो आप इस बैनर को नहीं बना पाओगे, PL फाइल आपको नहीं मिल पाएगा, नहीं बना पाओगे बैनर को। तो आपको वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक अच्छे से देखना है, बिना स्किप किए, जैसे लोग स्किप करते रहते 10-10 सेकेंड, 55 सेकेंड पे। क्योंकि दोस्तों, जो पासवर्ड रहता है वीडियो में, कुछ सेकेंड के लिए आता है और सेकेंड में ही चले जाता है। 10 सेकेंड में अगर स्किप करने से चला गया तो आपको नहीं मिलेगा। आपको पासवर्ड वीडियो में 3 जगह पर बताया जाएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको जो है वीडियो में पता चले कि कितने जगह पर और भी पासवर्ड है। बता देता हूँ मैं आपको, 3 जगह पर ही केवल पासवर्ड मिलेगा। तो आपको वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना है। चलिए, टाइम वेस्ट करते हुए इस डिज़ाइन पे आते हैं, कैसे आपको बनाना है। ये जो बैनर आप देख रहे हो, इसको कैसे बनाना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों, इस बैनर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो अपने पिक्सल लैब में आना है, आपका जो एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको न्यू टेस्ट दिख जाएगा, एक ही ऑप्शन भी आगे इसको डिलीट कर देना है। चले जाना है इस वाले ऑप्शन पे। जाने के बाद यहाँ पे आपको फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो बैनर का बैकग्राउंड है, इसको क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर लेना है। नीचे आपको राइट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है। अभी आपको प्लस के ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पे ये जो आपका ए वाला बैनर का बैकग्राउंड, इसको भी क्लिक करके ओपन करना है। थर्ड ऑप्शन पर जाना है, रिलेटिव साइज के ऑप्शन पर जाना है, हाइट विथ फुल कर देना है, राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। वापस से आपको सेम वही काम करना है, जो भी सारा PNG, इसको क्लिक करके ओपन करना है। यहाँ पे आपको हाइट विथ फुल करके राइट के ऑप्शन क्लिक कर देना है। चलिए, मैं जो भी सारा PNG आप लोगों को दिया हूँ इस बैनर को बनाने के लिए, इस पोस्टर को बनाने के लिए, चलिए मैं वो सारा यहाँ पे एक ही करके सेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको आगे क्या करना है, आगे मैं आपको बताता हूँ। पासवर्ड 9 यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, तभी आपको पासवर्ड मिलेगा, तभी आप इस तरीके का बैनर को डिज़ाइन कर पाओगे। अभी मैं वापस से एक बार आपको बता दिया हुआ है, तो आप वीडियो में ध्यान देना, क्योंकि वीडियो में पासवर्ड जो है थोड़े से ही मतलब टाइम के लिए आएगा और तुरंत चले जाएगा। इतने में अगर आप ध्यान नहीं देते हो वीडियो में, तो आपको पासवर्ड नहीं मिल पाएगा, फिर बाद में आप कमेंट करोगे पासवर्ड नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों, जो भी सारा PNG था उसको मैंने सेट कर लिया। यहाँ पे जो है कुछ कबड्डी का PNG था, कबड्डी प्रतियोगिता का। यहाँ पे चलिए मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पे जो मेरा फोल्डर का नाम रहेगा दोस्तों, कबड्डी प्रतियोगिता करके इस फोल्डर में आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये PNG रहेगा, इसको आपको क्लिक करके ओपन करके यहाँ पे सेट करना है। चले जाना है ओपेसिटी के ऑप्शन पे, इसको ओपेसिटी कम कर देना है। कम करने बाद ऊपर राइट का ऑप्शन क्लिक कर देना है, लेयर के ऑप्शन भी आना है, लेयर के एडिट के ऑप्शन क्लिक करके लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे अभी हमने जो भी सारा लेयर ओपन किया है, सारे लेयर को यहाँ पे लॉक कर देना है, ताकि आपको आगे का काम करने में आसानी हो। इतना काम करने के बाद वापस से प्लस के ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपको वापस से उसी फोल्डर में जाना है। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर एक ए वाला PNG है, इसको भी क्लिक करके ओपन करके यहाँ पर मैं इसको इसके यहाँ पे सेट कर देता हूँ। और इसी का कॉपी लेके इस क्रॉप के ऑप्शन पे आगे इसको रोटेट करता हूँ, इसको धोएँ दूसरे साइड में यहाँ पे सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। वापस में प्लस के ऑप्शन, सॉरी, यहाँ पे लेयर के ऑप्शन में जाता हूँ। ये जो मेरा लेयर है दोस्तों, इस वाले इमेज के ऊपर रखना है, तभी मेरा अच्छे से दिखेगा, क्योंकि पहले नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा है अच्छा खासा। तो यहाँ पर इतना काम करके हो चुका है, अभी मैं प्लस के ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाता हूँ, मैं अपने बैनर को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ऊपर देखोगे तो लिखा गया खेल कबड्डी, बीच में श्री गणेश नमा, फिर खेल कबड्डी। तो यहाँ पे आप लिखने के लिए प्लस के ऑप्शन क्लिक करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करके नया टेक्स्ट लेना है। एक ही ऑप्शन पे आके एडिट के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे जो भी लिखा गया इसको कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी लिखना है वो लिखोगे। तो यहाँ पर जैसे मैं 4 लाइन ले लेता हूँ, और यहाँ मैं बीच में टैप करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ श्री गणेशाय नमः। तो यहाँ पर मैंने श्री गणेशाय नमः करके लिखा, सॉरी गलत हो रहा है। यहाँ पे लिखने के बाद मैं स्पेस देके डन के ऑप्शन क्लिक करके ओके कर देता हूँ। टेक्स्ट मेरा आ चुका है, साइज में इसका छोटा करके इसको मैं 20 में ला के यहाँ पे सेट कर देता हूँ। कलर के ऑप्शन पे आता हूँ, जो भी कलर आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करके राइट के ऑप्शन क्लिक कर देना है।
चले जाना स्टॉक के ऑप्शन पे, इसको इनेबल कर लेना। स्टॉक में आपको जो भी कलर देना है सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपको कलर देख लेना जो भी पसंद है। उसके बाद ऊपर राइट के ऑप्शन क्लिक करके फॉन्ट के ऑप्शन पे जाना है, जो भी आपको फॉन्ट पसंद है यहाँ पे आप उस फॉन्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। पासवर्ड 2, तो यहाँ पे चलिए जैसे मैं कोई एक अच्छा सा फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, नीचे मैं ओके कर देता हूँ। मेरा यहाँ पे कुछ इस तरीके से टेक्स्ट आ चुका है। अभी मैं इसी टेक्स्ट का एक कॉपी ले लेता हूँ। एडिट के ऑप्शन पे आता हूँ। आपकी कबड्डी प्रतियोगिता जो है उसका क्या नाम है वो वहाँ पे आप नाम डालोगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बालाजी कबड्डी प्रतियोगिता, मैंने अपने बैनर में यही लिखा है, तो यहाँ पे मैं अभी वही लिख के दिखा रहा हूँ। प्रतियोगिता डन के ऑप्शन क्लिक करके ओके कर देता हूँ। टेक्स्ट मेरा यहाँ पे आ चुका है, साइज में बड़ा कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ मैंने सेट कर दिया। अभी आप कलर के ऑप्शन भी आ गए, इसमें जो भी कलर आपको देना हो कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ग्रेडियंट कलर भी आ गए, कोई ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हो। ऊपर आप राइट का ऑप्शन क्लिक करोगे आपका कलर सेट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप जो है कलर भी आप दे सकते हो, जो भी आपको कलर पसंद है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो बैकग्राउंड में कलर दिया है ग्रीन कलर का, थोड़ा सा और मिक्स कलर है उसका कलर चेंज करने के लिए लेयर के ऑप्शन भी आना है। उस बैकग्राउंड वाले लेयर को सिलेक्ट करके थर्ड ऑप्शन भी जाना है। यहाँ पर आपको कलर फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको एक ह्यू का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप आगे पीछे करोगे तो कलर आपको इसका भी चेंज होते हुए दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हो। जो भी आपको कलर पसंद है वो कलर यहाँ पे आप रख सकते हो। ऊपर राइट का ऑप्शन क्लिक करोगे देखोगे मेरा पहले कुछ और कलर था, अभी मेरा कुछ और कलर हो चुका है। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। उसके नीचे आपको लिखना है दिनांक, मतलब जो भी डेट को आपको कबड्डी रहेगा वो लिखना है। उसके नीचे देखोगे तो अंततः क्या लिखा गया है मुझे भी पढ़ने को नहीं हो रहा है। अत्यंत, सॉरी दोस्तों, अत्यंत हर्ष के साथ आपको आमंत्रित किया जा रहा है हमारे ग्राम, मतलब जो भी आपका नाम रहेगा वो लिखोगे और कब कबड्डी प्रतियोगिता है वो लिखोगे। उसके बाद नीचे जो मतलब जो भी मतलब लिखा गया आयोजन किया जा रहा है सब कुछ है। बाकी नीचे आते हो यहाँ पे आपको नियम और शर्तें लिखा गया है, जो भी आपका नियम रहेगा वो यहाँ पे आप लिखोगे। लिखना कैसे दोस्तों, मैं आपको सब कुछ लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये टेक्स्ट लिख के दिखाया है। टेक्स्ट लिख के दिखाया उसी तरीके से लिखना है, कलर देना है, जो भी आपको अच्छा लगे वो दे सकते हो कलर। बाकी नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको लिखा गया अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, नंबर दिया गया है वो मेरा ही नंबर है, उस पर आप फ़ोन मत करना, मैंने अपना ही नंबर डाला एग्जांपल के लिए। बाकी नीचे आते हैं तो विशेष सहयोग, यानी कौन मतलब एक प्रतियोगिता किया है, कौन ज़्यादा मतलब सहयोग किया है वो उसका यहाँ पर नाम डालना डाल सकते हो। फोटो लगाना है फोटो लगा के नाम लिख सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। बाकी यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक सेप ऐसा देखने के लिए मिलेगा, दो सेप रहेगा, तो आपको ऐसे एक सेप सेट करना है, इसी का कॉपी लेके दूसरा सेप भी यहाँ पर सेट कर लेना है और यहाँ पर इसको आपको सेट कर देना है। अभी इसके अंदर प्रथम और द्वितीय जो भी प्रतियोगिता जो भी रहेगा विजेता उपविजेता उसका नाम लिखोगे, सॉरी उसका नाम बोल रहा हूँ, उसका आप यहाँ पे जो भी मूल्य रहेगा जो भी रुपीज़ रहेगा वो लिखोगे। उसके आपको ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा स्थान, यानी जो भी आपका कबड्डी प्रतियोगिता है वो कौन से जगह पर कौन से स्थान पर हो रहा है वो यहाँ पे आप नाम लिख दोगे, एड्रेस लिख दोगे। उसके ऊपर आपको प्रवेश शुल्क का यहाँ पे कुछ इस तरह से मिलेगा, उसके आप ऊपर प्रवेश शुल्क लिख दोगे। कुछ इतना काम करना होगा आपको कुछ इस तरीके से एक बैनर पोस्टर को बनाने के लिए। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सब कुछ लिख के क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो काफ़ी कुछ लिखना है और मुझे मतलब ऐसे लिखने के लिए मैं एक एक करके देख के लिखने जाऊँगा, काफ़ी टाइम लगेगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा बनेगा। आप लोग कमेंट करते रहते हो वीडियो छोटा बनाओ वीडियो छोटा बनाओ करके, तो ये सब कारण है दोस्तों जो मैं आपको लिख के नहीं दिखा रहा हूँ। मैंने आपको सैंपल बता दिया हुआ है कैसे आपको लिखना है, कैसे फॉन्ट सेलेक्ट करना है, कैसे कलर देना है, कैसे आउटलाइन देना है, सब कुछ मैंने आपको एक एक करके बताया हुआ है ये दोनों टेक्स्ट को लिख के। तो इसी तरीके से करना है, बाकी सेम चीज़ जो भी आपको देख रहे हो यहाँ पे सब कुछ सेम आपको हो जाएगा। तो जाइए दोस्तों आप भी कुछ इस तरीके से बैनर को डिजाइन कीजिए। चलिए आज के इस नए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, या तो हमारा व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप को, वहाँ से आप कमेंट कर सकते हो, या तो हमारे YouTube चैनल के बैनर पे आपको नंबर मिल जाएगा वहाँ से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आपको जैसा भी अच्छा लगे आप बैनर को बनाइए। पासवर्ड 7, बाकी मैंने PLP फाइल और PNG दे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको पासवर्ड मिल गया होगा। तो जाइए बैनर को बनाइए। चलिए आज की इस नई वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली जो भी नई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।